कोटि अनंत कोटि नमन। गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी को अपनी संगत बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, और वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी हमेशा ये फरमाते हैं कि ये जो संगत है ना, ये ही मेरा परिवार है। तो संगत जी, गुरु जी ने जब ये वचन बोला कि ये संगत ही मेरा परिवार है, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो कोई हमारे लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर कोई अपने परिवार से सबसे ज़्यादा अपने परिवार वालों से प्यार करता है। तो ये गुरु महाराज की तरफ से हर संगत के लिए एक बेहतरीन और एक बहुत ही प्यारा तोहफा है जो गुरु जी ने हर संगत की झोली में डाल दिया है। एक अनमोल गिफ्ट है जो परमात्मा ने अपने बच्चों को दिया है कि ये कहकर कि ये संगत ही मेरा परिवार है। तो हमने भी इसकी मर्यादा का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि गुरु परिवार की मर्यादा कभी भी खंडित ना हो। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख बारी शुक्राना कि उन्होंने हमें अपना फैमिली मेंबर बनाया। संगत जी, गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है और हमारे में इतनी समर्थ है ही नहीं कि हम एक परमात्मा का गुणगान कर सकें, हम परमात्मा को बयां कर सकें, ये हमारी हैसियत ही नहीं है। लेकिन ये है कि जिस प्रकार मेरे महाराज जी की, मेरे गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उसी तरह उनकी ब्लेसिंग्स भी हर संगत पे बेशुमार नुछावर हो रही हैं। वो बेशुमार अपनी कृपा और रहमत अपनी संगत पे नुछावर कर रहे हैं। तो हर संगत के मन में ये विचार आता है कि हम भी अपने कुछ भाव, कुछ अल्फाज गुरु महाराज जी के श्री चरणों में भेंट करें, क्योंकि कहते हैं ना, हम और कुछ तो दे ही नहीं सकते प्रभु को। सब कुछ हम, ये जो भी चीज़ें दी हुई हैं, बख्शी हुई हैं, ये परमात्मा की देन है, और परमात्मा की देन में से हम परमात्मा को क्या देंगे। एक हम भाव ही अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी ये आया है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तभी तो भगवान राम ने प्रेम के वश होकर शबरी के जूठे बेर खा लिए थे, और भगवान कृष्ण जब विदुर के घर में गए थे तो उनकी पत्नी इतनी भाव विभोर हो गई थी कि वो केले तो नीचे फेंकती जा रही थी और जो छिलके थे वो कृष्ण महाराज जी को खिलाती जा रही थी, और कृष्ण जी भी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उन छिलकों को खाए जा रहे थे। तो ये शास्त्रों में लिखा है, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो गुरु महाराज जी हैं, जो साक्षात शिव रूप हैं, जो परमात्मा हैं, सिर्फ भाव के भूखे हैं। तभी तो गुरु महाराज जी हर संगत को कहते थे कि सत्संग किया करो, क्योंकि सत्संग जो करता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सत्संग सुनता है उनका भी कल्याण होता है। दोनों तरफ से महाराज जी की ब्लेसिंग्स कॉन्टिन्यूस चल रही होती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है महाराज जी का कि उन्होंने आज ये मेरे को मौका दिया है गुरुजी सिमरन पेज में कि मैं उनकी महिमा का गुणगान कर सकूं। वैसे हमारे में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कवि भी, उन्होंने भी ये कहकर अपनी कलम छोड़ दी है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन जाए, सात समुंदर की मसी गुरु गुण लिखा ना जाए। संगत जी, ना तो गुरु का गुण लिखा जा सकता है और ना ही गुरु का गुण अपने मुख से हम बयां कर सकते हैं। ये तो जब उनकी मेहर होती है, उनकी कृपा होती है, और गुरु महाराज जी वो ही बुलवाते हैं जिससे किसी संगत का कल्याण होना होता है। हमारी समर्थ नहीं है कि हम एक लफ्ज भी उनकी शान में कह सकें। तो शुक्राना गुरु जी, आपने आज ये सत्संग करने का मौका दिया, उसके लिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, हम एक रफली डेट बताते हैं कि हम गुरु महाराज जी से इस समय जुड़े, इस साल जुड़े, या इतने महीने पहले जुड़े। पर महाराज जी फरमाते हैं कि
आपको क्या पता कि मेरा और आपका कितने जन्मों जन्मों का संबंध है। महाराज जी कहते हैं कि ये आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो वो तो हम एक बता देते हैं डेट, जब संगत पूछती है या सत्संग शेयर करते हैं कि हम महाराज जी के साथ इस वक्त जुड़े हैं, लेकिन महाराज जी के साथ हमारा जन्मों जन्मांतरों का रिश्ता है, क्योंकि परमात्मा के बिना इस जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जीव जो है, आत्मा जो है, वो परमात्मा का अंश है। जीव पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है। तो इसलिए ये फरमाया है महाराज जी ने कि तुम नहीं जानते, मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है। तो संगत जी, जब गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों में नहीं जोड़ा था इस जन्म में, अपने चरणों में, अपने दर पर नहीं बुलाया था, और जब मैं पास्ट में अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज जी की मेहर तो तब भी थी, तब भी उनकी कृपा हम पर बरस रही थी, तब भी वो हमारे साथ थे। और इसी को लेकर मैं आपको शॉर्ट में एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, तब मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नहीं गई थी। मैंने क्या जाना था, गुरु महाराज जी ने ही मुझे अपने श्री चरणों के साथ अभी नहीं जोड़ा था। ये 2008 की बात है कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, उनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे, और मेरे हस्बैंड को हेड इंजरी थी और मेरी बेटी का मल्टीपल फ्रैक्चर था राइट लेग में। और उन दोनों को रिकवर करने में उनको 6 मंथ का टाइम लगा था, लेकिन तब भी मुझे पता है कि महाराज जी मेरे साथ थे। वो साथ थे और उन्होंने मुझे, कष्ट आया क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो काटने पड़ते हैं, कष्ट आया, लेकिन उन्होंने कैसे उस कष्ट से निकाल लिया, कैसे उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर रखा, हमें पता भी नहीं चला। तो उसके लिए लख लख वारी शुक्राना है मेरे महाराज जी का, मेरे मालिक का, सच्चे बादशाह का, कि आज दोनों सुरक्षित हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर करूंगी कि गुरु महाराज जी ने उस पर कैसे कृपा करी है। मेरी मदर दिल्ली में रहती है और बेंगलोर से मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों अपनी मम्मी के घर आए। और मैं थोड़ा सा आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं उनके साथ, महाराज जी के साथ कैसे कनेक्ट हुई। हम बेंगलोर से दिल्ली में अपनी मम्मी के घर आई, तो वहाँ मैंने गुरु जी का फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा। तो मैंने अपनी भाभी से पूछा कि ये कौन है, वो भी रिसेंटली कनेक्टेड हुए थे और सिर्फ एक दो बार ही बड़े मंदिर में गए थे। तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो संगत जी, फिर हम उसी विजिट में ही मेरे ब्रदर और मेरी भाभी मुझे बड़े मंदिर में लेके गए। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे और उनका भी जाने का मन था, बहुत मन था, लेकिन कोई वजह भी नहीं थी ना जाने की, लेकिन ना वो नहीं जा पाए। कहते हैं ना, किस टाइम, किस समय, कब, किसको ब्लेस करना है, ये समय मेरे महाराज जी मुकर्रर करते हैं। उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं चलती कि हमारी इच्छा है हम जाएं, और हम बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते जब गुरु महाराज जी का बुलावा नहीं होता। तो संगत जी, मैं अपने ब्रदर और भाभी के साथ, मेरी नीस भी थी, हम सब बड़े मंदिर में गए। और जैसा कि मंदिर की इमेज होती है हमारे दिमाग में, वो ही था। लेकिन जब मैं वहाँ बड़े मंदिर में मैंने पैर रखा, तो सच में संगत जी ऐसे लगा कि मैं शिवपुरी में आ गई हूँ, शिव लोक में हम पहुँच गए हैं। इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, पिन ड्रॉप साइलेंट, और इतनी संगत थी, और सेवादार इतने प्यार से और इतने अच्छी तरह से सारी संगत को संभाल रहे थे। तो गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जो तुम्हें पहली बार मेरे दरबार में लेके आता है, मैं पहले उनको ब्लेस करता हूँ, फिर आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो शुरू होती है। तो मैं सच्चे दिल से अपने ब्रदर का और अपनी भाभी का भी शुक्राना करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस रास्ते पे डाला है। और गुरु महाराज जी से अरदास है कि वो उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। और वैसे भी वो ब्लेस्ड फैमिली है, सारे बच्चे और सब लोग गुरु जी के श्री चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। संगत जी, फिर उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर में गई और हमने चाय प्रसाद लिया और
जैसे सेवादार समय धीरे धीरे आगे करके भेज रहे थे। जब हम दरबार में मेन हॉल में पहुंचे ना, तो सच में जो रूहानियत थी, जो आनंद था, वो पहली जो अनुभूति हुई है ना, वो अभी तक याद है। और ऐसे लग रहा है आज भी मैं उस दरबार में ही बैठी हुई हूँ। इतना अलौकिक आनंद मिला कि वो लग रहा था इस संसार का आनंद ही नहीं है। और इतना अच्छा लगा उस क्षण का शुक्राना महाराज जी, उस पल का शुक्राना जब आपने हमें अपने श्री चरणों में बिठाया और आपने इतने प्यार से हमारा हाथ पकड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि कैसे आपने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि वाकई ये कोई धरती की जगह नहीं है, ये तो शिव पूरी है, भोलेनाथ का शिव लोक है, ऐसा हमें लग रहा था। और हम 15-20 मिनट उस दरबार में बैठे, बहुत प्यारे शब्द चल रहे थे। और उसके बाद हम जब घर आने लगे तो रास्ते में मेरे ब्रदर ने बोला, मेरे हस्बैंड भी घर थे और हमारे और भी रिलेटिव्स आए हुए थे, तो उसने कहा आज हम सिर्फ चाय प्रसाद ले लिए, लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा घर भी वहाँ से मोर देन 2 आवर्स का स्ट्रेच था। तो मेरे भैया ने कहा नहीं, हम ना आज लंगर प्रसाद नहीं करेंगे। लेकिन गुरु महाराज जी जब भी संगत के मुँह से सुना, एम्पायर स्टेट में कोई भी गुरु महाराज जी के पास जाते थे तो गुरु महाराज जी की जिस पर मेहर होती थी, तो कहते हैं गुरु महाराज जी संगत तो कहते थे कि हुण आए हो ना ते आंदे रिया करो, लंगर प्रसाद करके जाना। अरे कितना अपनापन है, कितना अपनापन है, ये परमात्मा के अलावा और कौन कह सकता है, कौन कह सकता है, कोई अपना कह सकता है ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। तो संगत जी हम फिर लंगर प्रसाद करके आए, तो बहुत 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 शुक्राना हम घर में आए। और मैंने अपने हस्बैंड को सारी डिटेल बताई, मैंने कहा हमने ऐसा मंदिर कभी देखा ही नहीं, क्योंकि एक अलग सी इमेज बनी होती है हमारे दिमाग में मंदिर की, लेकिन ये तो इतना, मतलब कहते हैं ना स्वर्ग से भी ऊपर लोक है जो शिव लोक है, तो बिल्कुल ये शिव लोक है। और शिव जी महाराज हमारे भोलेनाथ जिन्होंने शिव रूप का अवतार लिया, वो साक्षात वहाँ पे विराजमान है। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी कि आपने हमें अपने चरणों में जगह दी और हमारा हाथ थामा, उसके लिए लख लख वारी शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी उसके बाद ना हम बेंगलोर चले गए और फिर फ्रीक्वेंट आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा गुड़गांव में रहता है। तो मैं आपको 5-6 साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनका 2015 में सर्जरी हुई थी फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। और संगत जी 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला, लेकिन उनकी प्रॉब्लम एज इट इज़ रही, उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। 2015 में उनकी सर्जरी हुई, मेडिसिंस पे चलते रहे, लेकिन उन्हें आराम नहीं आया, सेम प्रॉब्लम रही। और 2016 में 1 साल बाद फिर उनकी उसी प्रॉब्लम के लिए दोबारा सर्जरी हुई, और उनको बैठ भी नहीं सकते थे, उनको इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि वो सिर्फ मेडिसिंस पे रहते थे और बहुत मुश्किल में थे। तो तब मैं बेंगलोर में थी और ये देखो गुरु महाराज जी की कॉल थी उनको, तो कोई इतना स्पेशल काम नहीं होता। वो कहते हैं तब मेरे छोटे बेटे की मैरिज नहीं हुई थी, तो हम कभी बेंगलोर में होते थे और कभी उसके पास गुड़गांव में आ जाते थे। तब हम बेंगलोर में सेटल्ड थे, तो मेरे हस्बैंड थोड़े दिन के लिए, सिर्फ 2 वीक्स के लिए उसके पास आते हैं 2015 और 16 में उनकी सर्जरी हुई थी, वो उसके 2 साल बाद गुड़गांव में आते हैं। और मैं उनको कहती हूँ कि आप दिल्ली जा रहे हो तो गुरु जी के दर्शन ज़रूर करके आना, बड़े मंदिर हो के आना। तो संगत जी वो दो बार गुरु महाराज जी के दरबार में गए, और फर्स्ट टाइम जब गए तो उन्होंने वह मेरे को कॉल करा, जब घर वापस आए कहते हैं सच तुम सही कहते थे, मैंने इतना, मतलब मंदिर ऐसा टेम्पल कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जो डिसिप्लिन है, क्योंकि गुरुजी डिसिप्लिन पे बहुत जोर देते थे कि जो डिसिप्लिन है, इतना अच्छा सेवादार्स मेंटेन करते हैं ना,
तो उन्होंने बहुत तारीफ करी और वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी वो 2 बार गए, उन्होंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और जब उनकी थर्ड विजिट थी ना, जब मतलब थर्ड बार जब वो बड़े मंदिर में गए मेरे बेटे के साथ, उन्होंने लंगर प्रसाद लिया एज यूजुअल। जैसे लंगर प्रसाद लेके जब अपने घर में वापस आ रहे थे, संगत जी ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान से ये सत्संग सुनना, कि जब वो घर वापस आ रहे थे ना, और गाड़ी जब निकाल के वो मेन रोड पे आए, तो किसी अंकल ने ना गाड़ी का डोर नॉक करा, तो मेरे बेटे ने बिना कुछ बोले वो गेट ओपन कर दिया, कार का दरवाजा खोल दिया, लॉक खोल दिया, और अंकल बैठ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंकल बैठ गए। जब 2 मिनट हुए तो मेरे बेटे ने कहा, अंकल आपने कहाँ जाना है आप मुझे बता देना। तो वो अंकल बोले, बेटा आगे 5-7 मिनट के बाद गुरु जी का एक स्कूल है, मुझे वहाँ उतार देना। तो मेरे बेटे ने कहा, अंकल मुझे नहीं पता कौन सा स्कूल है, आप मुझे बताना, मैं गाड़ी रोक दूंगा। तो बस चुप रहे सारे, मेरा मेरे हस्बैंड आगे सीट पे बैठे थे, और उस दिन मेरे बेटे का एक फ्रेंड भी गया था जो बैक सीट पे बैठा हुआ था। तो 2-3 मिनट बाद उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को बोला, ये प्रसाद ले लीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने दोनों हाथ पीछे करे और फेस भी पीछे करा, लेकिन लाइट नहीं थी, कम थी बहुत, क्योंकि कार ड्राइव कर रहा था बेटा, तो वो उनको देख नहीं पाए। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद कड़ा प्रसाद, तब उनको यही पता था प्रसाद मीन्स प्रसाद, क्योंकि उनकी थर्ड विजिट थी। तो उन्होंने हाथ आगे करे, तो अंकल ने 2 लॉकेट स्वरूप मेरे हस्बैंड के हाथ में रख दिए, और 2 लॉकेट स्वरूप उन्होंने मेरे बेटे को दिए, और 2 लॉकेट स्वरूप भी उसके फ्रेंड को दिए। और जब स्कूल आया तो उन्होंने कहा, गाड़ी रोक दो। तो वो उतर गए, वो अंकल उतर गए, जय गुरु जी बोल के उतर गए, और सबने जय गुरु जी बोला। संगत जी, वो अंकल जैसे ही उतरे विद इन नो सेकेंड्स, मेरे हस्बैंड ने बोला कि एकदम मुझे क्लिक हुआ कि ये गुरु महाराज जी हमारे गाड़ी में बैठे हैं। तो उन्होंने देखा पीछे वो अंकल खड़े हुए थे, कहते हैं कि वो गुरु महाराज जी हमारी गाड़ी में बैठे हैं। उन्होंने मुझे इमीडिएट बेंगलोर में फ़ोन करा कि आज ना हमारी गाड़ी में गुरु महाराज जी बैठे थे। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने पूरी बात मुझे डिटेल में बताई। मैंने कहा हो सकता है, कहते हैं आप भी तो सत्संग सुनाते हो ना, और हम रात को जब सुनते हैं तो गुरु महाराज जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये गुरु महाराज जी थे। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है गुरु महाराज जी होंगे, ये बेंगलोर में आ गए। और बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास हुआ, तो 3-4 महीने या 5-6 महीने बीते होंगे। कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम होती है तो हमारा ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा जाता है, लेकिन जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो हम भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो संगत जी, 3-4 महीने बाद इन्होंने मुझे कहा कि मेरे को तो जो प्रॉब्लम थी, पेन थी बैक में, और जो 2 बार सर्जरी हुई थी, मुझे तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, जो लॉकेट स्वरूप मिला था वो इन्होंने अपनी चैन में डाल लिया था। कहते हैं मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ, और मेडिसन्स भी छूट गई थी। जब इनको पेन था, हमने होम्योपैथिक बेंगलोर गए और बाबा रामदेव की मेडिसन्स, और कोई मेडिसिन नहीं छोड़ी, और मणिपाल में भी इनको दिखाया, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं हम तो नहीं आपको एडवाइस दें कि आप थर्ड टाइम फिर सर्जरी कराओ, हो हम गारंटी भी नहीं लेते कि वो सर्जरी कामयाब होगी। पर देखो उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो संगत जी देखो ना, वो कौन है? वो गुरु महाराज जी के सिवा और कोई हो ही नहीं सकते। कहते हैं ना, गुरु महाराज जी ने किस समय किसको कैसे ब्लेस करना होता है, ये गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं, ये उनकी कॉल होती है। उन्होंने ऐसे लगा मुझे, जब मैंने विचार करा कि उन्होंने बेंगलोर से इन्हें यहाँ सिर्फ अपने दरबार में ब्लेस करने के लिए बुलाया था, और वो गुरु महाराज ही थे, वो गुरु महाराज जी थे जो इनको ब्लेस करके गए हैं, इनको पेंडेंट स्वरूप दे के गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना है महाराज जी का कि इनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। क्योंकि देखो, गुड़गांव में इतना अच्छा फोर्टिस हॉस्पिटल है, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा अच्छे से अच्छा इलाज हुआ, पर क्या नहीं था, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स नहीं थी ना हमारे पास, मिसिंग थी। तो देखो, कष्ट तो जो होते हैं वो तो हमें, जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, जो पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं संगत जी, वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं।
और गुरु महाराज जी कैसे कटवा देते हैं ये कर्म, हमें पता भी नहीं चलता। तभी महाराज जी हमेशा कहते हैं, जो भी संगत उनके पास जाती है, कि कहते हैं कि अपने कर्म बख्शवा लो, अपने कर्म बख्शवा लो, कि जितने तुमने पिछले जन्म में कर्म करे हैं गुरु महाराज जी से हरदास करो, गुरु महाराज जी बख्श दो। क्योंकि वो कहते हैं कि अब तो तुम मेरी शरण में आ गए हो, और शिव जी महाराज तो साक्षात मुक्ति के देवता हैं, मुक्ति के दाता हैं, उसके बाद हमें नहीं पता, वो हमें अपने चरणों में ही रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि वो कहते हैं कि अपने कर्म बख्शवा लो, कि हमेशा अरदास करो गुरु महाराज जी, हमारे जो पिछले कर्म है वो बख्श दो, और अब हमारे साथ हैं, हम आगे से ऐसा कोई गलत कर्म करेंगे ही नहीं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, सब तो पहले एक चंगा इंसान बनो तुसी, जब हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें अपने शेल्टर में लिया हुआ है, तो क्या हम कोई गलत काम कर सकते हैं? कोई संगत नहीं करेगी, सोच भी नहीं सकती कि हम कोई गलत काम कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया, उसके लिए महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी मैं ऐसे बता रही हूँ कि जैसे गुरु महाराज जी का एक वचन है, और उसके साथ ही रिलेटेड मैं कोई ना कोई सत्संग शेयर करूँगी। अब जैसे ये था कि गुरु महाराज जी कष्ट भी देते हैं, और कैसे कष्ट गुरु महाराज जी नहीं देते, बिल्कुल गुरु महाराज जी नहीं देते हैं, वो हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें काटने पड़ते हैं। गुरु महाराज जी तो बहुत प्यार से हमें उन कष्टों से मुक्त करा देते हैं, तो उसके लिए शुक्राना। और गुरु महाराज जी ये भी कहते थे कि अहम और वहम से हमेशा दूर रहो, पंडितों के चक्कर विच ना पिया करो, और जो आप ये होरोस्कोप या कुंडलियां शादी के टाइम मैच करवाते हो, गुरु महाराज जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। जो उनके वचन में भी लिखा हुआ है कि पंडितों के चक्कर में ना पड़ो। तो संगत जी इससे रिलेटेड मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि 2019 में मेरे छोटे बेटे की, जो गुड़गांव में है, उसकी मैरिज हुई, और जब हम उसके लिए लड़की देख रहे थे, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ओके कर दिया। तो जब हम ने हमें भी लड़की पसंद आ गई, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम पहले होरोस्कोप मैच करवा लेते हैं। तो मैंने कहा तो आप गुरुजी की संगत कैसे हो? तो फिर तो हम गुरुजी की संगत ही नहीं है, जब हम गुरुजी को मानते हैं और हम उनके वचनों पे नहीं चलते, उनकी वाणी को नहीं मानते, तो हम उनकी संगत कहलाने लायक भी नहीं है। तो इन्होंने फिर भी पंडित को दोनों का होरोस्कोप भेज दिया, और पंडित ने कहा कि ये कुंडली मैच ही नहीं हो रही। तो इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं तो मानती ही नहीं, जब गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं नहीं मानती किसी कुंडली को या किसी हॉरोस्कोप को या किसी पंडित को, पंडित मेरे गुरुजी से तो बढ़ के नहीं है ना। तो कहते हैं फिर क्या करना है? मैंने कहा आप लड़की को बड़े मंदिर में बुलाओ, और हम सब बड़े मंदिर में जाएंगे, दोनों बच्चे गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और हम ओके कर देंगे। संगत जी ये देखो, गुरु महाराज जी ने कितनी हिम्मत दी, पंडित ने मना कर दिया कि होरोस्कोप मैच नहीं होता, ये कुंडली बिल्कुल मैच नहीं हो रही, लेकिन देखो गुरु जी का इतना, मतलब इतनी कृपा और इतनी मेहर थी कि एक माँ होने के नाते शायद कोई और, जब हम ना जुड़े होते तो हम डर भी जाते कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तो कुंडली मैच नहीं हो रही, हम तो ये रिश्ता नहीं करते, लेकिन इतना विश्वास गुरु जी पे, इतना विश्वास, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मेरे महाराज जी बैठे हैं ना, मेरे गुरु जी बैठे हैं ना, वो कुछ नहीं होने देंगे। दोनों बच्चों को हमने मंदिर में मत्था टिकाया, और उनकी हमने 7 अक्टूबर 2019 में, क्योंकि 7 इज़ द लकी नंबर ऑफ गुरुजी, और मंडे का दिन था, हमने दोनों की शादी की है। और गुरु महाराज जी की इतनी मेहर है, जब उन्होंने आशीर्वाद लेके मैरिज हमने करवाई है, तो उनकी इतनी कृपा है महाराज जी की उन बच्चों पे, दोनों की इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, और दोनों सुखी हैं, दोनों खुश हैं। ये किससे? ये सिर्फ महाराज जी बैठे हैं ना, वो अपनी संगत पे आँच भी नहीं आने देंगे। तो हमेशा गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि पंडितों के चक्कर में ना पड़ो, जो ये स्टोन डालते हैं हम, वो कहते हैं कभी मत डालो, और जो गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़ जाते हैं वो कभी डालते भी नहीं और इन चक्रों में पड़ते भी नहीं। तो संगत जी मैं आप सबको भी यही कहना चाहूंगी कि जिनके बच्चे अभी मैरिजेबल एज के हैं, बस गुरु जी पे विश्वास रखो, उनका आशीर्वाद लो बस, और बच्चों में बस कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और देखो गुरु जी के नजारे वो कैसे दिखाते हैं।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारे शुक्राना। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे गुरु महाराज जी ने हमारे को कष्टों से निकाला। और संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे नाल जोड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन। अब डायरेक्ट कनेक्शन कैसे जोड़ें, जब नए नए हम जुड़ते हैं तब हमें भी ये बात नहीं समझ आती, लेकिन जैसे जैसे जो गुरु जी के टाइम की संगत है, जब हम उनके सत्संग सुनते हैं, वो हमारे टीचर हैं, वो हमें गाइडलाइंस देते हैं, और या गुरु जी के वचन सुनते हैं, या जो अब फेसबुक में इतने वर्चुअल सत्संग हो रहे हैं, शिव पुराण और कितने ग्रंथ गुरु महाराज जी के पढ़े जा रहे हैं, जब हम सुनते हैं तो हमें कितनी कितनी नई नई बातें पता चलती हैं। तो महाराज जी हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है संगत जी, जो कोई भी बीच में, आपके और गुरु जी के बीच में कोई भी मैसेंजर नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बात महाराज जी तक पहुंचा सके और महाराज जी का आंसर वो आप तक पहुंचा सके। ये सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन की तार से तार जोड़ लो गुरु महाराज जी के साथ। तो संगत जी, मैं ये नहीं है संगत जी कि आप सत्संग वो सत्संग समझो कि हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, या कोई फैमिली इशू है, या कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम है और गुरु महाराज जी ने हमें निकाला, वो ही सत्संग होता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो सत्संग है, वो भी शेयर करो, लेकिन मैं कहती हूँ जिस समय आपको गुरु महाराज जी की याद आती है, जिस पल गुरु महाराज जी को आप याद करते हो, वो पल ही सत्संग है, वो क्षण ही सत्संग है संगत जी। ये नहीं है कि कुछ हो जाए तो ठीक हो गए, वो सत्संग है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे गुरु महाराज जी हर संगत की पुकार सुनते हैं, लेकिन शर्त है कि वो दिल से, सच्चे मन से उनको पुकारो। कहते हैं ना, आत्मा की पुकार सिर्फ परमात्मा ही सुन पाते हैं, और कोई संसारिक व्यक्ति नहीं सुन पाता। वो तो हमारी जुबान की भाषा समझेगा ना, जो हम बोलेंगे, लेकिन संगत जी ये सच कह रही हूँ, हर संगत का अपना एक्सपीरियंस होगा कि जब हम सच्चे मन से, आत्मा से गुरु जी को पुकारते हैं ना, तो उसका जवाब भी उसी समय हमें मिलता है, उसी समय हमें मिलता है। तो जो नई संगत जुड़ी है वो काफ़ी कंफ्यूज रहती है, और जो लाइव सत्संग कर रहे होते हैं उनसे क्वेश्चंस आंसर करते हैं कि हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं। आप एक बार गुरु महाराज जी से जुड़ के तो देखो, एक बार उनसे प्यार करके तो देखो, तो अपने आप बन जाएगा। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा होगी, वो अपने आप आपको अपने साथ जोड़ा है ना, उन्होंने अपने दर पे बुलाया है, तो वो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का भी आंसर देंगे। तो संगत जी, मैं एक दो सत्संग शेयर करती हूँ कि जैसे मैं गुरु महाराज जी को जो चाय प्रसाद का भोग लगाती थी, तो मेरे को डायबिटिक है, मतलब कंट्रोल में तो नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है, लेकिन डायबिटिक है। तो मैं गुरु महाराज जी को ना बिल्कुल फीकी चाय का भोग लगाती थी, और ये थोड़ा और काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ मैं। 2016 में गुरु महाराज जी ने सीधा मुझे अपने बड़े मंदिर में ही बुलाया, और अब जब मैं विचार करती हूँ, मैंने कहा मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है, मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है, और हर दिल्ली की हर जगह हमने देखी हुई है। तो पहले मुझे ये बहुत खलती थी ये बात कि हम एम्पायर स्टेट में क्यों नहीं गए, गुरु महाराज जी ने हमें क्यों नहीं बुलाया। लेकिन जब मेरे हस्बैंड का सत्संग हुआ ना, कि हम गए और वो नहीं जा पाए, तो उनकी रजा के बिना, मैं कहती हूँ उनके कृपा के बिना, हम उस सच्चे दर पे पैर भी नहीं रख सकते। ये बहुत शुभ कर्म हमने किए हैं संगत जी, बहुत शुभ कर्म करे हैं कि हमें गुरु का दर नसीब हुआ है। उसके लिए जिस समय आप पहली बार चाहे सत्संग में गए हैं, या गुरु जी के बड़े मंदिर में गए हैं, या कहीं भी गए हैं, सिर्फ उस पहले पल का हर बार शुक्राना करो, उस पल को मत भूलो, क्योंकि गुरु महाराज जी ने देखो अभी तक कितने प्यार से हमारा हाथ थामा हुआ है और अपने चरणों के साथ जोड़ा हुआ है। तो उसके लिए महाराज जी का इतना शुक्राना है संगत जी। पहले तो हम सब अपनी जिंदगी काट रहे थे, सिर्फ जो श्वास है वो
ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन अब हमें जीना सिखाया महाराज जी ने, और वो हमारे साथ है। उन्होंने गुरु नाम का एक कवच पहनाया है और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो संगत जी, मैंने जब भोग लगाया, 5-6 साल से लगा रही हूँ, और वैसे भी बचपन से ही जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कृष्ण के हम डिवोटी हैं, अभी भी कृष्ण की हमारे घर में पूजा होती है। गुरु महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि आप अपने इष्ट देव को नहीं मानो, बल्कि हर रूप में गुरु महाराज जी ने हर संगत को दर्शन दिए हैं। जब मैं भी जुड़ी तो मैंने शुरू शुरू में कहा कि गुरु जी शायद ये कृष्ण भगवान जैसे प्रश्न किया, ये गलत तो नहीं हो रहा कि मैं किस रास्ते पे चल पड़ी हूँ। तो संगत जी, तब शिवजी सदा सहाय एक फेसबुक का ग्रुप था, तो उसमें गुरु जी का एक स्वरूप आया जिसमें गुरु महाराज जी का तिलक था, और साक्षात उस तिलक में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए मुझे। तो मैंने कहा जय गुरु जी। उन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हो, और भगवान कृष्ण ने ही मुझे उनके श्री चरणों के साथ जोड़ा है, तो उसके लिए शुक्राना। तो संगत जी, वो सत्संग बीच में ही रह गया। तो मैंने जब भोग लगाया, मैंने सोचा हाय राम, मेरे को शुगर है, महाराज जी को थोड़ी शुगर है, तो मैं उनको क्यों फीकी चाय ऑफर करती हूँ, फीकी चाय का भोग लगाती हूँ। तो क्योंकि सुबह सबसे पहले चाय मैं ही पीती हूँ, बच्चे नहीं लेते और कोई भी नहीं लेता, तो चाय का भोग लगा के तो वो चाय मैं पी लेती हूँ। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। फिर मैंने कहा अगर मैं चीनी डालूंगी तो फिर वो मैं नहीं पी सकती। तो बड़ी मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था। तो उसी टाइम जब ये महाराज जी की ही कृपा होती है, और इसी को डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं। तो संगत जी, हमेशा आदत है कि जैसे हम लंच के बाद लेटते हैं तो ज़रूर हर संगत या कोई शब्द वाणी सुनते हैं या कोई ना कोई सत्संग लगा लेते हैं। तो उस दिन मैंने जब यूट्यूब में ये गुरु महाराज जी ही सुनवाते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, कि हमें तो पता भी नहीं होता किसने कौन सा सत्संग शेयर करा है, गुरु महाराज जी ने जिसको जैसे जवाब देने होते हैं। तो उस दिन मैंने उसी सेम डे मैंने दिन में ओल्गा आंटी, जो गुरु जी की टाइम की संगत है, बहुत पुराने संगत हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे उनके सत्संग हैं, सुनना कभी। तो उनका सत्संग था, वो कहते हैं कि एक बार हम एम्पायर स्टेट में बैठे थे और गुरु महाराज जी चाय पी रहे थे। शाम के समय जब गुरु महाराज जी संगत करते थे तो गुरु महाराज जी चाय पी रहे थे। तो ओल्गा आंटी कहते हैं कि सारी संगत इंतज़ार करती थी, गुरु महाराज जी जब चाय पीते थे या जूस लेते थे या पानी लेते थे, तो हर संगत को इंतज़ार होता था कि उनका अमृत प्रसाद, सचखंड का प्रसाद हमें मिले। क्योंकि गुरु जी जब मौज में होते थे ना, तो वो चाय पी के या जूस पी के थोड़ा सा लास्ट में एक दो घूट किसी भी संगत को दे देते थे। तो ओल्गा आंटी ने कहा उस दिन मैं बैठी हुई थी और गुरु महाराज जी ने चाय पी और वो चाय का गिलास मुझे पकड़ा दिया। कहते मैं तो धन धन हो गई कि मेरे को सब कुछ मिल गया। कहते मैंने पी और वो चाय फीकी निकली। कहते किसी की हिम्मत नहीं होती कि गुरु जी से कोई सवाल कर सकें, गुरु जी बहुत कम बोलते थे। तो ओल्गा आंटी कहते हैं कि फिर मैंने अपने आप ही अपने मन में विचार करा कि गुरु जी सब लोगों की शुगर डायबिटिक अपने ऊपर ले लेते हैं और इसलिए वो फीकी चाय मिलते हैं पीते हैं। तो देखो संगत जी, मुझे अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। तो ये होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन, कि जब हमें गुरु के नाम की धुन लग जाती है ना, हर संगत को लगी हुई है, ये नहीं, हर संगत उनकी धुन में मस्त है। जब धुन लग जाती है तो हर समय पता भी नहीं चलता टाइम कैसे पास हो जाता है। गुरु जी हम पुकारते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। जैसे एक छोटा नन्ना सा बच्चा होता है और जब नया नया बोलना सीखता है तो कैसे अपनी मम्मा के आगे पीछे भागता रहता है, मम्मा 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 मम्मा, और नया नया बोलना सीखता है और माँ भी कितनी खुश होती है, उसको उठा के अपने गले से लगा लेती है और उसकी भाषा सुन के कि वो मेरे को माँ पुकार रहा है, बड़ी खुश होती है। तो वैसे ही हमें भी गुरुजी कहना आता है और तो कुछ कहना नहीं आता, और हम भी अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, पर ये है कि महाराज जी को समझ आ जाता है, संगत को समझ आए ना आए, क्योंकि हम जो सत्संग करते हैं वो भी गुरु महाराज जी के लिए करते हैं, और गुरु महाराज जी ने जिस जिस को ब्लेस करना होता है वो उसी को वो सत्संग सुनवाते हैं। तो संगत जी, अब डायरेक्ट कनेक्शन में आपको एक
ऐसे समझा सकती हूँ, हो सकता है ये थॉट अभी भी गुरु महाराज जी ने दिमाग में डाला हो, कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जैसे किसी की अगेजमेंट हुई है, किसी की अगेजमेंट हुई है और वो अपना, चाहे लड़का है चाहे लड़की, वो अपनी फैंसी के बारे में कितना सोचता है, पूरा दिन वो लड़का और लड़की उसके बारे में सोचते रहते हैं पूरा दिन, उनके फोन बिजी होते हैं और वो मिलने का प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको कौन बोलता है? उनके पेरेंट्स बोलते हैं, उनके रिलेटिव्स बोलते हैं, उनके सिबलिंग्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं कि उस बंदे को फ़ोन कर ले या उस लड़की को तू फ़ोन कर ले, नहीं बोलते ना। बस क्या है कि मन से मन जुड़ गया है। वो संसारिक भाषा में मैंने आपको समझाया है कि लड़के और लड़की का एक दूसरे से मन जुड़ गया है। मैं संगत जी ये बात सिर्फ अंगेजमेंट से कोर्टशिप पीरियड तक के लिए कह रही हूँ, शादी के बाद की मेरी गारंटी नहीं है, वो बच्चों की अपनी कंपैटिबिलिटी है कि वो कैसे एक दूसरे को हैंडल करते हैं। तो हर टाइम वो उनके ख्वाबों में खोए रहते हैं ना, तो ये है, ये संसारिक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो गुरु महाराज जी के साथ भी ऐसे ही, हमने वहाँ है, स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है हमारी, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, ज्योत से ज्योत को मिलना है। तो उसमें जब हर समय हम याद करेंगे ना, तो गुरु महाराज जी, पक्की बात है संगत जी, आप नोट कर लो, हो ही नहीं सकता कि आप सच्चे मन से पुकारो, आप रूह से पुकारो, रूह से पुकारो, और गुरु महाराज जी ना सुने, ये आज तक कभी हुआ ही नहीं और ना होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। और एक गुरु महाराज जी ही ऐसे हैं जो हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे और हमारे हर प्रश्न का वो हमें आंसर देंगे। तो संगत जी, जिस वेले आप याद करो, ये नहीं है कि अमृत वेले ही गुरु महाराज जी हमारी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। जिस वेले आप महाराज जी को, रब को याद करो, गुरु महाराज जी तो वो वेला ही अमृत कर देते हैं। तो सुबह का वेला अमृत वेला नहीं है, उन्होंने तो संगत के 24 घंटे अमृत वेला कर दिया, पूरा जीवन अमृत वेला कर दिया। तो उसके लिए मेरे महाराज जी का सच्चे दिल से शुक्राना है कि बहुत ही नियामतें बरसाते हैं वो अपनी संगत के ऊपर। संगत जी, ये आज 5th जून है, ये 6th मई का मैं आपको एक इंसिडेंस बता रही हूँ कि जो बड़े मंदिर में लाइव मंत्र जाप होता है 7 से 8 बजे तक, मैं हमेशा हर संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो कभी भी मत मिस करा करो। संगत जी बिल्कुल भी मत मिस करा करो। जो लॉकडाउन में भी संगत जुड़ रही है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि गुरु जी का आश्रम पेज फेसबुक पे है और लाइव मंत्र जाप होता है, आप एक बार जाके देख हो तो सही कि वहाँ के नज़ारे क्या हैं, कि गुरु महाराज जी कितने प्यारे लगते हैं कि आपकी नज़र ही वहाँ से नहीं हटेगी। तो गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि जब से लास्ट ईयर से लॉकडाउन हुआ है और मंत्र जाप शुरू है, गुरु महाराज जी की इतनी मेहर है कि रोज़ गुरु महाराज जी अपने चरणों में बुला लेते हैं। संगत जी, हम कोई भी नहीं होते, हम चाह कर भी नहीं जा सकते या लाइव मंत्र जाप नहीं दे सकते जब तक महाराज जी हमें ना बुलाएं, जब तक वो हमें अपने श्री चरणों में ना बुलाएं, हम देख ही नहीं सकते, हम उनकी ब्लेसिंग ही नहीं ले सकते। तो संगत जी, जो बड़ा मंदिर है ना, वो ब्लेसिंग्स ऑफ पावर हाउस है, सारी ब्लेसिंग्स वहाँ से फ्लो होती हैं गुरु महाराज जी की, और कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप फ्लो होती हैं, बस एक बार आप जुड़ के तो देखो। संगत जी, 6 मई को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और हमने सुबह पूजा करी, सत्संग करा हमने बहुत अच्छी तरह। मैंने कहा, गुरु महाराज जी हम दोनों को ब्लेस करो कि इतना अच्छा जीवन हमने जिया है, आगे भी आपकी, पहले भी आपकी कृपा थी, आपका हाथ था हमारे सिर पर, अब भी आपकी बहुत मेहर है, तो आप हमें आशीर्वाद दो। संगत जी, जब मैं 7 से 8 बजे ये लाइव टेलीकास्ट देख रही होती हूँ, तो सिर्फ 2-3 मिनट रह जाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं मम्मा जल्दी, उन्हें भी पता है 7 से 8 मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं ना किसी का फ़ोन पिकअप करती हूँ ना को कुछ भी, कि वो उनको पता है मम्मी रूम से बाहर नहीं आएगी। तो ये भी गुरु महाराज जी की मेहर है।
तो मैंने कहा बस मुझे 2 मिनट दे दो, ख़त्म होने वाला है। तो वो कहते हैं जल्दी आओ केक मेल्ट हो जाएगा। तो संगत जी जैसे ही 7:57, सिर्फ 3 मिनट थे वो मंत्र जाप ख़त्म होने में, तो मैं जैसे बाहर आने लगी, फिर मेरा मन नहीं करा। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी आप एक फूल, मैंने सिर्फ वर्ड्स मेरे मुंह में ही थे, मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी। मैंने ये कहना था गुरु महाराज जी बस एक फूल ही दे दो, मैं जा रही हूँ, बस ब्लेस कर दो। संगत जी मैंने सिर्फ एक फूल का फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स गुरु महाराज जी के त्रिशूल में जो डमरू है वहाँ पूरा ऐसे हार था और उसके बीच में 2 गुलाब के फूल थे, उसी टाइम 2 फूल गिरे, उसी टाइम। मतलब वर्ड्स भी मुंह में नहीं निकले, निकले ही नहीं कि गुरु महाराज जी फूल दे दो, ये मैंने कहना था सिर्फ यही था, गुरु महाराज जी बस आप एक फूल ही दे दो। गुरु महाराज जी ने एक की जगह 2 फूल हम दोनों को ब्लेस करा। और जब मैंने उसकी डेकोरेशन देखी, और बाद में मैंने मैंने सबको सबको ऑडियो मैसेज करके वो वाली वीडियो भी भेजी, अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ, सत्संग खत्म हो जाए मैं आपको भी उसके दर्शन कराऊंगी। तो उस टाइम तो मुझे सच में ये लगा संगत जी कि ये डेकोरेशन आज गुरु महाराज जी ने सिर्फ हमें ब्लेस करने के लिए की हुई थी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस डमरू के चारों तरफ ऐसे था कि डमरू के चारों तरफ गुरु महाराज जी ने हार के बीच में 2 फूल लटकाए हुए थे कि उनको हमें ब्लेसिंग देनी ही थी। तो बाद में मुझे इतना रियलाइज हुआ, मैंने कहा गुरु महाराज जी कितना ठीक कहते हैं कि मांगो नहीं, मंगो नहीं मन्नो, मंगो नहीं मन्नो। तो हम मांग के कितने छोटे हो जाते हैं, वो तो बिन मांगे ही बिन बोले ही हमारी झोलियां भर रहे हैं। तो सच में मतलब फिर लगता है कि परमात्मा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, मतलब तो वैसे नहीं मांगना चाहिए। गुरु महाराज जी तो सब जानते हैं, अपने बच्चों की हर बात उनको मालूम है। तो उसके लिए लख लख वारी शुक्राना, गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस करा। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है, और ऐसे हर संगत के लाइफ में रोजमर्रा के, ये नहीं कि कभी कभी, रोज जब आप गुरुजी से कोई भी बात करोगे आपको सीधा उनका जवाब मिलेगा। कोई भी बात करोगे आपको गुरु महाराज जी जरूर आंसर देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि पुकार हमारी सच्चे मन से होनी चाहिए और हमारे सच्चे भाव होने चाहिए। तो कभी भी संगत जी मांगना नहीं चाहिए, ये गुरु जी के वचन में है। और गुरु जी कहते थे मांगो नहीं मन्नो मन्नो, और जब हम मानते हैं ना तो मांगने की लोड़ ही नहीं पड़ती। सही बात है, मांगने की लोड़ ही नहीं पड़ती, और ये मैटेरियलिस्टिक थिंग्स अब हमें चाहिए भी नहीं, हमारे किसी काम की नहीं है, हमें बस गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बस मोज चाहिए। और संगत जी जब बस ये मांगो कि गुरु महाराज जी अपनी कृपा दो, अपनी कृपा दो, ये हर क्षण अरदास करा करो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि गुरु महाराज जी हमें अपनी कृपा बख्शो। क्योंकि जब हमें गुरु महाराज जी की कृपा मिलती है ना संगत जी, तो उस कृपा के साथ ऑटोमेटिकली गुरु महाराज जी के लिए हमारे मन में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव जागृत होते हैं। और वो हम कहें कि हमें विश्वास है, हम गुरु जी से प्रेम करते हैं, हमारा टोटल सरेंडर है, बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, कभी हो ही नहीं सकता। और हमारी इतनी समर्थ भी नहीं है कि हम सरेंडर कर सकें या प्रेम कर सकें। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स होती हैं संगत के, हर संगत के ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो गुरु महाराज जी को प्रेम करता है, पूरा विश्वास करता है कि जब गुरु महाराज जी मेरे साथ है ना, जिस दिन हमें ये विश्वास हो गया ना संगत जी कि गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, वो कभी मेरा बुरा होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे संगत जी, हमारी ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप उस आनंद को अनुभव करोगे। और महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन का घोड़ा मुझे, अपने जीवन के लगाम मुझे सौंप दो, मैं सीधा तुम्हें मोक्ष तक ले जाऊंगा। और ये बात बिल्कुल सच है, पर हम एक बार सौंप के तो देखें ना। तो ये गुरु जी की कृपा है कि वो हमारे मन में ये भाव जागृत करते हैं, और पता भी नहीं चलता कि कैसे वो अपने प्रेम के बंधन में हमें बांध लेते हैं, वो प्रेम की डोरी से खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, और संगत खींचती चली जाती है, खींचती चली जाती है, और इतनी प्यारी हमारी ज़िंदगी हो जाती है ना, रूहानियत आ जाती है सच में, हमारी जीवन की बगिया एक
फूल की तरह खिल उठती है। और जब गुरु महाराज जी साथ होते हैं और वो हमें आनंद के सरोवर में गोते लगवाते हैं सच में, तो यही होता है संगत जी, सच में अरदास होती है महाराज जी के श्री चरणों में कि जिस आनंद और मौज में और जिस मस्ती में हम जी रहे हैं, गुरु महाराज जी ने जितनी मेहर हम पर की है तो सारी संगत उसका आनंद ले। और जो अभी गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ नहीं जुड़े, नहीं जुड़े, गुरु महाराज जी आप उन पे इतनी कृपा करो कि वो भी आपके दर पर आए। तभी तो महाराज जी फरमाते हैं कि संगत जोड़ो, संगत जोड़ो, नवी संगत ले आओ, नवी संगत ले आओ, क्योंकि परमात्मा ही एक मनुष्य के बारे में सोच सकता है ना, अपने बच्चों के बारे में, और तो कोई नहीं सोचेगा। और गुरु महाराज जी तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं, परमपिता परमात्मा हैं। उन्होंने तो इस अवतार ही इस धराधाम पे इसलिए लिया है कि हर एक का कल्याण कर सकें, वो हर एक का, जन जन का कल्याण कर सकें। तो सबका कल्याण वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि वो है ही इतने प्यारे, इतने हमारे भोलेनाथ शिव जी महाराज। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हरदास है कि वो सब के ऊपर अपनी मेहर करें, सारी संगत पे मेहर करें, सबके ऊपर अपनी कृपा और दया दृष्टि बनाई रखें, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा और दया दृष्टि बनाई रखें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें गुरु महाराज, सबकी झोलियाँ, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो, बस इसी हरदास के साथ। और संगत जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग लाइव मंत्र जाप के साथ जरूर जुड़े, बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और 100% कि आप वहाँ पे हरदास करोगे, वो गुरु महाराज जी सुनते, कहीं भी करो, आप घर में भी करो, घर में भी करो, लेकिन देखो बड़ा मंदिर तो बड़ा मंदिर है ना, गुरु जी ने बनाया है, किसके लिए बनाया, अपने बच्चों के लिए बनाया ना। और अगर नहीं जाएंगे तो बताओ आप, उनको अच्छा लगेगा, वो इंतजार करते हैं 7 बजे बैठ के, संगत जी वो सारी संगत का इंतजार करते हैं। आप जाओ उनके श्री चरणों में बैठो, जब खुल जाएगा ना तो आपको दरबार में 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठने देंगे। अब गुरु जी 1 घंटे का मौका देते हैं, उनके श्री चरणों में बैठो, अरदास करो, उनसे बात करो और उनके रूबरू हो जाओ। जब गुरु जी के रूबरू हो गए ना, तो रब से रब को मांग लो, संगत जी रब से रब को मांग लो, कुछ मांगने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी को मैंने आपको पहले कहा कि गुरु जी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। और अब ये नहीं लगता कि मेरी फैमिली या मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड या नियर डियर्स, विश्व रूप ही परमात्मा है, जो संगत है, नॉन संगत है, सब में गुरु जी का नूर है, सब में परमात्मा का नूर है। गुरु महाराज जी ने कम से कम इतनी तो दृष्टि बख्श दी है। और गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते हैं, इसी हरदास के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।